तो खाने से होता है कि हार्मोन अनबैलेंस नहीं होने देता है। लेकिन ये तो इतना मोटा है, कैसे टेढ़ा हो गया? घर में एक भी आलू नहीं है। आते ही हम लोग को मिल गया दो गो अमरुद। एक तो ज्यादा पक गया है, काट के देखेंगे ठीक ठाक है या नहीं। और आज अमरुद का जितना भी एक्स्ट्रा डाल है सब इधर उधर जो बाउंड्री के पार हो गया है सबको काट देते हैं, फिर से नया डाल निकल जाएगा। यहाँ एक और अमरुद दिखाई दे रहा है, इसको भी तोड़ना मन्नु, तो भी पक जाएगा, उसी को खाली तोड़ो। हाँ, अमरुद हो गया, उस दिन खरीद के भी लेके आ गए हैं। जितना भी बाउंड्री के बाहर चल गया ना सबको काट दो। मनु टेढ़ा कर दिया मेरा कटर काटने वाला। इधर बहुत सारा तुलसी निकल गया है, पूजा करने आते हैं तो लात लगता है इसीलिए उखाड़ दे रहे हैं। बहुत तुलसी लगा चुके हैं, कितना लगाएंगे। घास भी इतना निकला है, बाप रे कब सफाई होगा। मेरा तो देख देख के दिमाग खराब हो जा रहा है। जिस दिन से इधर सांप नजर आया तब से बहुत डर डर के आते हैं हम लोग इधर। थोड़ा थोड़ा करके साफ हो ही गया होता, बारिश नहीं हुआ होता तो, लेकिन बारिश सारा काम बिगाड़ के रख दिया। घास तो है ही, साथ में तुलसी निकल गया है, वही है, लात ना लग जाए। इसी जगह पे उस दिन सांप था बैठा हुआ, अब देख के किसको डर नहीं लगेगा। और आज मैं सुबह सारा नाश्ता बना ली हूँ मैं, सारा काम करने के बाद फिर मैं आज बाहर निकली हूँ। अपराजिता का लत्तर तुलसी में पूरा लग गया है, इसको आराम से ही निकालना पड़ेगा लग रहा, पूरा लपेट लिया है अपने में। सीधा हो गया, कितने दिन से हम इसको सीधा कर रहे थे, आज देखे ध्यान से देखे तो ये वाला टेढ़ा था। लेकिन ये तो इतना मोटा है, कैसे टेढ़ा हो गया? यहाँ पे पतला है ना, ये वो टेढ़ा हो गया। अच्छा, ये तो बहुत मोटा है ना, सिंगल है, पीस है भाई, यहां से ऐसे करके डबल। तभी से मनु इसको सीधा करने में लगा हुआ था। तभी ध्यान से करके देखा ना तो ये टेढ़ा दिखा, तो फिर इसे सीधा किया, अभी अच्छा बैठ गया पूरा। चलो आपका जल्दी जल्दी कटाई छटाई करो। मनु को आज फिर चढ़ा दिए ऊपर, देख के लेकिन चढ़ना मनु। हाँ, देखना देखना गड़ेगा, काटा है वहां से। हाँ, जितना भी उधर बाउंड्री साइड पार हो गया ना सबको छाट दो, किसी का कहने से अच्छा है कि खुद ही काट छांट दे, किसी का परेशानी क्यों करना। चढ़ जा, लेकिन भुआ पिल्लू सब होगा, देख लेना, आराम से चढ़ना। देखिए ये पौधा दीवार में निकल गया है, एक है दो है आगे और है, ये अपा मार्ग है। जिसको भी दांत का प्रॉब्लम है ना, कुछ भी दांत से खून आता है या दांत में दर्द है या कुछ भी, तो इसका दातुन करने से दांत ठीक हो जाता है। दांत तो कोई भी प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है अपा मार्ग। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, और आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकला हुआ है, और मनु सोच में डूबा हुआ ऊपर कि अब क्या करे। क्या सोच रहा मनु? कब उतरेंगे? कब उतरेंगे तो उतर जाओ, हो तो गया ऊपर का, उतरो। सोच रहा है खड़ा होके, और इतना सारा डाल कर गया है, अब इसका क्या किया जाएगा, सूख जाएगा डाल, तब हटाएंगे कि पहले हटा दिया जाए। गुड इवनिंग, और अभी शाम का 4 बजने वाला है, बजा नहीं है। बाहर का मौसम है, थोड़ा सा छाया छाया सा किया हुआ है, और हल्का सा धूप भी हो रहा है। देखिए अभी तुरंत धूप भी हो गया, और अभी छाया किया हुआ था, और हल्का हल्का सा बादल भी गरजने का आवाज सुनाई दे रहा है। मतलब कि 2 दिन धूप हुआ, फिर से बादल गरज रहा है, पता नहीं कब बारिश हो जाएगा। और मैं दोपहर में नहाने वहाने के बाद बाहर से काम करके आई, मैं नहाने के बाद मैं सो गई, और वही मैं हेयर वॉश की थी, बाल गीला ही था, बाल में झाड़ी भी नहीं थी, और सारा बाल ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा सा हो गया है। झाड़ती तो बैठ गया होता, मगर मैं झाड़ी ही नहीं। खाना खाने के बाद मुझे इतना सुस्ती आने लगा तो मैं सो गई, और मैं सोच रही हूँ बाहर जाने के। उधर कढ़ी का मेरा पौधा है, तो मैं पत्ता तोड़ करके लाऊंगी मेहंदी लगाने के लिए। कढ़ी के पानी में मैं मेहंदी फुला कर लगा लेती हूँ कभी कभी, तो जब से ये कट गया तब से थोड़ा सा कढ़ी पत्ता का प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छा पत्ता नहीं है, बहुत सारा पत्ता बहुत खराब खराब सा हो गया है। मैं जा रही हूँ
थोड़ा सा कढ़ी का पत्ता तोड़ करके लाती हूँ, फिर उसे रख देती हूँ क्योंकि फिर शाम हो जाएगा तो फिर कहीं बारिश हो जाएगी, क्या हो पता नहीं। और मुझे अभी थोड़ी देर में बाजार भी जाना है, मार्केट भी जाना है सब्जी लेने के लिए, क्योंकि इस हफ्ते बारिश की वजह से नहीं जा पाए। घर में एक भी आलू नहीं है, एक भी प्याज नहीं है, सारा कुछ खत्म हो गया है। तो मैं जाती हूँ, पहले कढ़ी का पत्ता तोड़ करके रख लेती हूँ, फिर मनु जैसे ही आएगा हम लोग बाजार चले जाएंगे सब्जी लेने के लिए। मौसम तो ठीक ठाक रहे बाजार से आने तक कम से कम, ताकि हफ्ते भर का सब्जी हो जाए। पिछले बार बाजार गए थे तो हम लोग सिर्फ बाहर बाहर से हरा सब्जी लेकर के आ गए थे, अंदर नहीं गए। अंदर बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया था, पैर रखने तक का जगह नहीं था, उसमें आलू प्याज था, पूरा हफ्ता निकल गया उसी से, कल ही खत्म हुआ है। इसीलिए अंदर नहीं गए थे कीचड़ की वजह से, सिर्फ बाहर बाहर से जितना भी सब्जी मिला वो लेकर के आ गए थे। तो आज जाना होगा, तो बस कढ़ी का पत्ता तोड़ते हैं, उसके बाद उसको धो धा के रख देंगे, शाम में फिर पानी से उबालेंगे और उसमें मेहंदी फुलाएंगे उसको ठंडा करके। मैं सुबह में काम करने आई थी तभी मुझे तोड़ लेना चाहिए था, मैं तब मेरे ध्यान में नहीं था। और अभी आई हूँ मैं यहाँ पर, मैं अमरूद का डाल काट करके रखी हूँ, इसे भी साइड करना पड़ेगा तभी उधर जा पाएंगे। यहीं को काट के छोड़ दिए हैं कि झड़ जाएगा पत्ता, उसके बाद जला देंगे। पूरा झाड़ी झाड़ी सा हो गया है, ये इतना सारा यहाँ पे काट दिए हैं। यहाँ पे कढ़ी का पत्ता इतना कीड़ा हो ही गया था, इसमें काटना पड़ा, वरना मैं नहीं काटती, क्योंकि बहुत काम का होता है कढ़ी का पत्ता। तो खाने से होता है कि हार्मोन अनबैलेंस नहीं होने देता है, दूसरा पेट भी ठीक रहता है, और बाल में लगाने से बाल के लिए भी अच्छा होता है। कढ़ी पत्ता को मीठा नीम भी बोला जाता है, बहुत अच्छा दवाई होता है ये सारा चीज। जिनको पता है वो यूज करते हैं बहुत, और जिनको पता नहीं है मैं बता दे रही हूँ, जिनको पता नहीं है वो भी लगाएं अगर जगह है तो। मेरा तो इतना जगह नहीं है, फिर भी जितना संभव है मैं बहुत सारा पेड़ पौधा लगा करके रखी हूँ। मन तो करता है कि और भी लगाऊं, लेकिन जगह ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया है, इतना ही मैं तोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं। अब मैं चलती हूँ, इसको धो करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर बाजार जाने का तैयारी करते हैं। सब्जी लाना तो जरूरी है, सब्जी नहीं आएगा तो रोज उठपटांग चीज खा के पेट गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। तैयार तो हो गए हैं, मगर लग नहीं रहा है कि बाजार जा पाएंगे, क्योंकि बादल भी गरज रहा है और मौसम बिल्कुल बादल वाला कर लिया। मुश्किल लग रहा है आज बाजार जाना, नहीं हो पाएगा लग रहा है। देखिए कैसे बादल गरज रहा है, पूरा मुश्किल है, मुस्कान भी आ गई है। मुस्कान का अभी भी हल्का हल्का समाप्त है, गर्म है बहुत सारा, दुकान शाम होते तक बंद हो जाता है, लाइट तो कभी जलता ही नहीं है, एक भी में नहीं जल रहा है।